हाफ ईयरली एग्जाम 2024 क्लास फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज मैं आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम क्लास फोर्थ कंप्यूटर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। जॉय स्टिक इज यूज फॉर ए टाइपिंग, बी प्रिंटिंग, सी प्लेइंग गेम्स। करेक्ट आंसर है थोड़ा क्लियरनेस मैं देख रही हूँ, उसमें क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलिए करेक्ट आंसर हो जाता है प्लेइंग गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑप्शन फाइल, बी डेटा, सी इमेज। फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स। नंबर थ्री, मूविंग इज द टेक्स्ट मीन्स कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेस्टिंग। नंबर फोर, इन फॉर्मेटिंग टूल बार बी स्टैंड फॉर ए बोल्ड, बी ब्लैक, सी बॉन्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, वेबकैम इज यूज टू सेंड लाइव पिक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। वेबकैम पर लाइव पिक्चर सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, ट्रू। नंबर सेकंड, फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फोल्डर ऑनली, दिस इज फॉल्स। थ्री, कंट्रोल प्लस जेड इज द शॉर्टकट की ऑफ अंडू कमांड, ट्रू। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल, फॉल्स। एमएस वर्ड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल। कौन कौन से अलाइनमेंट हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए आगे बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल्स पे आपको क्लास फर्स्ट से एट तक के प्रैक्टिस सीट एंड डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही आपको एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, पीटी एग्ज़ाम की वर्कशीट मिल जाएगी। साथ ही ओलंपियाड एग्ज़ाम के डिफरेंट वर्कशीट, डिफरेंट सब्जेक्ट के, साथ ही डिफरेंट प्रकार के ओलंपियाड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ओलंपियाड होते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसकी वर्कशीट, ये सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। कॉपी, कॉपी के लिए शॉर्टकट की हो जाता है कंट्रोल प्लस सी। कट, कट के लिए शॉर्टकट की हो जाता है कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट आपका हो जाता है मॉनिटर, मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, टच स्क्रीन, एटीएम मशीन। एटीएम मशीन हमारा टच स्क्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड प्ले बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम म्यूजिक और साउंड सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्पीकर, एस पी ई ए के ई आर, स्पीकर is used to listen music and sound played by computer. Next, number 2, to delete file or folder click dash button on the keyboard. Keyboard में कौन सा button हम किसी भी file या folder को delete करने के लिए use करते हैं? तो correct answer हो जाता है delete button. Keyboard से हम delete button को use करते हैं. Number 3, the dash command is used to copy text.
कॉपी टेक्स्ट के लिए, कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? तो ये हो जाता है कॉपी कमांड या कंट्रोल प्लस सी, या फिर यहाँ पे आप कॉपी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट इज यूज टू कॉपी, कॉपी को टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट इफेक्ट आर डैश इफेक्ट अप्लाई ऑन द टेक्स्ट। टेक्स्ट इफेक्ट्स आर स्पेशल इफेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा एस पी ई सी आई ए एल स्पेशल इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी स्पेशल इफेक्ट, इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट्स। ये कुछ शॉर्ट्स आंसर हैं, चलिए इसको मैंने कॉपी में लिख कर रखा है तो इसको हम साथ साथ आपको करते जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आंसर द शॉर्ट्स में, नेम एनी टू इनपुट डिवाइस, नेम एनी टू इनपुट डिवाइस और आंसर हो जाता है ए कीबोर्ड बी माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फाइल, आंसर अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। नंबर थ्री, नेम एनी टू एडिटिंग कमांड्स इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में दो एडिटिंग कमांड हमें लिखना है, आंसर हो जाता है ए रीड्यू बी अंडू। नंबर फोर, व्हाट इज सेंटेंस केस, सेंटेंस केस क्या है, आंसर इट मेक्स फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस इन कैपिटल लेटर। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंटर, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। पहले हमें बताना है कि प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर के डिफरेंट टाइप्स हमें लिखने हैं। चलिए आंसर है अ प्रिंटर इज अ डिवाइस डैट टेक्स्ट टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रिंट्स देम ऑन टू पेपर। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्ड हो जाता है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर टू, व्हाट इज द डिफरेंस इज बिटवीन कट एंड कॉपी कमांड, कट एंड कॉपी कमांड में क्या डिफरेंसेस है? तो चलिए पहला देखते हैं कट कमांड। कट कमांड रिमूव्स द सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एंड कॉपी कमांड, कॉपी कमांड क्रिएट्स अ डुप्लीकेट। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडू एंड रीडू कमांड, आंसर अंडू कमांड, अंडू ऑप्शन इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म। रीडू, रीडू इज यूज टू रिवर्स द अंडू इफेक्ट्स, यानी रीडू का यूज अंडू के बाद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डिफरेंट टाइप के कौन कौन से अलाइनमेंट है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए पहला, व्हाट इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इज अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर्स, अलाइनमेंट इज अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर्स। ए लेफ्ट अलाइनमेंट, बी राइट अलाइनमेंट, सी सेंटर अलाइनमेंट एंड डी जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास फोर्थ कंप्यूटर्स के लिए, आई होप आपको पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा पूरा अवश्य देखें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप क्या चाहते हैं, आप किस प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।